शिवराज सिंह चौहान जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण, विद्यार्थी, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्य की शुरुआत ईश्वर का नाम लेके की जाती है। मैं एकता में आनंद, उसमें पेंटिंग्स के बारे में बता रहे हैं। अ सेलिब्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ केवी स्कूल्स इज एक्सप्लेनिंग जोरदार कल्पना है। स्कूल की घंटियां फिर से बजना शुरू हो गई। जिनको खुद को टेंशन है वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, अभी भी लोग हैं। अच्छा, और जिनका पक्का विश्वास है कि मम्मी पापा को टेंशन है वो कौन करते हैं? ज्यादा तो जरूर है। कल विक्रम संवत नगर शुरू हो रहा है और वैसे ही अप्रैल अपील महीना हमारे देश में अनेक त्योहारों से भरा रहता है। मेरी आने वाले सभी त्योहारों के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आपके मन में भय क्यों होता है, ये प्रश्न मेरे मन में है। क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है? मतलब कि आपने बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का डर ये तो दिमाग में बैठता नहीं है। तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है, हमारी विकास यात्रा का छोटे 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 पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं। वॉट योर एक्सपीरियंस टू बिलीव इन आवरसेल्फ्स। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम मैसूर इन कर्नाटका, रिनाउंड फॉरेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन एंड नेशनल पार्क। इन सब ने इतने बढ़िया तरीके से इन सारी चीजों को कंडक्ट किया है, कहीं पर भी आत्मविश्वास की कमी नजर नहीं आई। मुझे आज अपने को ढालने के लिए, अपने को घड़ने के लिए, खुद को कुछ सीखने के लिए आप सबने समय दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सीखा, आनंद आया। अब आज प्रधानमंत्री जी ने इतना सिखा दिया है कि और कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं मॉडर्न स्कूल में पढ़ा हूं, एक दिन केमिस्ट्री की क्लास थी, केसी जैन सर पढ़ा रहे थे और वो पढ़ा रहे थे संतृप्त घोल और असंतृप्त घोल। वो एक जार लेके आए, पानी भरा था उसमें, उसमें नमक डालना शुरू किया, नमक को घोलना शुरू किया तो एक सीमा तक तो नमक घुलता चला गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद नमक ने घुलना बंद कर दिया। जब ज्यादा नमक डाला तो नमक जमीन उस पर जार में नीचे बैठने लगा। तो केसी जैन सर ने मुझे कहा कि ये संतृप्त घोल है, अब इसमें नमक डालोगे तो घुलेगा नहीं, नीचे बैठ जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने हमें पूरी तरह से संतृप्त कर दिया है, अगर अब मैं उसमें कुछ और डालूंगा तो वो नीचे बैठ जाएगा। वो आज प्रधानमंत्री जी ने हमें सिखाया है और इसलिए
अब मैं आज चर्चा नहीं करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने की परीक्षा पे चर्चा, लेकिन मैं करूंगा पढ़ाई पे चर्चा। जब नया सत्र शुरू होगा तब मैं आपसे बात करूंगा, पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों से जुड़ूंगा और तब अपन संवाद करेंगे। बोलो भारत माता की।